Professor Dr. Michael Zimmerman, Professor Dr. Orenskaya, Professor Dr. Isaacson, Dr. Bhatt, हिंदी के छात्रों, देवियों और सज्जनों, आज इस शाम को यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। जब भारतीय कौंसलावास हैम्बर्ग तथा एशिया अफ्रीका संस्थान के इंडोलॉजी विभाग के संयुक्त सहयोग से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, मुझे ये बताने में बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं इस समारोह में दूसरी बार भाग ले रही हूँ और इस सम्मानित विश्वविद्यालय के इंडोलॉजी विभाग के लंबे इतिहास तथा परंपरा के एक छोटा सा हिस्सा बनाने में की भी मुझे बहुत ही खुशी है। इस बात से सभी अच्छी तरह से परिचित है कि भारतवासी लोग के हर क्षेत्र में हिंदी भाषा बोलते हैं तथा खास रूप से फिल्मों और संगीत के माध्यम से हिंदी भाषा के बढ़ते हुए प्रभाव को प्रोत्साहित करते हैं और इस तरह भारत की नरम शक्ति के प्रदर्शन करते हैं। भारत में हिंदी भाषा विभिन्न राज्यों के लोगों के आपस में जोड़ने के लिए एक कड़ी के कार्य करते हैं तथा अनेकता में एकता के मनोभाव को सिखाती है। हिंदी केवल जर्मन्स के द्वारे जर्मनी के विभिन्न क्षेत्रों में ही नहीं बोलती जाती, बल्कि ये दूसरे देशों के नागरिकों जैसे हंगेरियंस, डच, यूक्रेनियंस के द्वारा भी बोलती जाती है। बहुत से देशों में हमारे इंडोलॉजी डिपार्टमेंट्स है तथा कई देशों में हमने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए अध्यक्षों को भी निर्धारित किया है। जल्द ही एशिया अफ्रीका संस्थान हिंदी भाषा के शिक्षण की शताब्दी की बहुत ही उत्साह और प्रोत्साहन के साथ मेजबानी करेगा। मुझे यकीन है कि भविष्य में अधिक से अधिक विद्यार्थी हिंदी भाषा के अध्ययन करेंगे, क्योंकि सारे संसार का ध्यान भारत की तरफ बदल रहा है, क्योंकि भारत एशिया में एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो आज इस आयोजन में अपनी कविताएं पढ़ने जा रहे हैं तथा नाटक और क्विज प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, मैं अपनी शुभ आशाएं व्यक्त करती हूं तथा बधाई देती हूं, न केवल आज के समारोह के विजेताओं को बल्कि आज के समारोह के प्रत्येक विद्यार्थियों को जो आज के समारोह में भाग ले रहे हैं। मैं इस शानदार समारोह के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए डॉक्टर ओरेंस्केयर, डॉक्टर जिमामान, डॉक्टर बट, डॉक्टर आइसेक्सन तथा इंडोलॉजी विभाग को बधाई देती हूँ। मैं हिंदी भाषा और साहित्य तथा अन्य भारत संबंधित विषयों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एशिया अफ्रीका संस्थान के साथ निकटतम सहयोग में कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। धन्यवाद। नमस्ते।